हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और आज मैं खड़ा हूँ टाटा के शोरूम पर और हमारे सामने खड़ा है टाटा का 5530.S 6 चकों का घोड़ा। मैंने पहले भी मेरे YouTube चैनल पर टाटा के इस 5530.S की वीडियो बना के दिखाई है जो कि 10 चकों में खड़ा हुआ था, मतलब 6x4। और हमारे सामने आज 4x4 में टाटा का ये सिग्ना 5530.S घोड़ा खड़ा हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो में इस घोड़े की पूरी डिटेल दूंगा, इसके इंटीरियर, इसके एक्सटीरियर, टाटा इस पर आपको कितने साल की वारंटी देता है, इसके माइलेज और 2023 में आपको टाटा के इस 5530.S घोड़े में क्या क्या फीचर मिलते हैं वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। इसके पीछे बॉडी भी लगी हुई है तो इस बॉडी की मैं आपको डिटेल दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह इस घोड़े की फ्रंट से लुक, इसमें आपको कुछ स्टेप से चाबियां मिलती है जो कि इस घोड़े की चाबी है। एडब्ल्यू का टैंक एंड डीजल टैंक की आपको चाबियां दी गई है। फ्रंट से आपको ऐसी लुक मिलेगी, ये सिग्ना केबिन के साथ में आता है। काफ़ी फेमस इनका सिग्ना ये केबिन है जो कि इनके टीपरों में, इनके टेलरों में, ट्रकों में यूज़ होता है। काफ़ी एरोडायनामिक ये सिग्ना केबिन है जो कि हवा को काफ़ी अच्छी तरीके से काटता है। यहाँ पे आपको ऐसी डिज़ाइन दी गई है जो कि हवा को काटने में मदद करती है और ट्रक की माइलेज को बढ़ाती है। 6x4 में हमारे सामने ये खड़ा हुआ है और 4x4 में भी आता है। हमारे सामने ये 4x4 में खड़ा हुआ है। 6x4 की मैंने पहले वीडियो बना के दिखाई है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलेगी, मतलब 6x4 एंड 4x4 की लुक एकदम सेम है, केबिन भी सेम है, बस आपको उसमें एक एक्सल एक्स्ट्रा मिलता है और 4 चक्के आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये इसकी फ्रंट से लुक, सामने से देखने में आपको काफ़ी बड़ा फील होगा और एक्चुअल में यह काफ़ी बड़ा है भी। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडशील्ड मिल जाती है जो कि थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई है जो कि हवा को काफ़ी अच्छी तरीके से काटती है। और उसको आपको क्लीन करने के लिए 2 आपको काफ़ी बड़े बड़े वाइपर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको वॉशर भी दिए गए हैं। अगर विंडशील्ड को आपको हाथ से साफ करना है तो यहाँ पे आप चढ़कर हाथ से भी इसको साफ कर सकते हैं विंडशील्ड को। और ऊपर आपको लाइटें दी गई है छोटी छोटी ऊपर रूप में जो कि ट्रक को रात में बताती है, अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा तो उसको भी पता चल जाता है, कहीं साइड में खड़ा हुआ है तो भी ये लाइटें ट्रक का बताती है कि कोई बड़ा व्हीकल खड़ा हुआ है, ये मदद करती है। रूप में आपको ऊपर लाइटें दी गई है छोटी छोटी और यहाँ पर आपको सिग्ना की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको सिल्वर में सिग्ना की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे आपको व्हाइट में रेडियम की पट्टी दी गई है। काफ़ी एरोडायनामिक फ्रंट की लुक है और यहाँ पे आपको बीच में काफ़ी टाटा, काफ़ी बड़ा टाटा का लोगो मिल जाता है क्रोम में और ऊपर आपको टाटा लिखा मिलेगा। और यहाँ पे आपको हैंडल दिए गए हैं। और ग्रिल की बात करें तो पूरी ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर ग्रिल मिलेगी इस घोड़े में और इसके पीछे इसका रेडिएटर लगा हुआ है। आगे मैं इसके इंजन पर भी आऊँगा, इसमें टाटा का काफ़ी फेमस इंजन लगा हुआ है। इसकी माइलेज सभी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा लोहे का ब्लैक कलर का बम्पर मिलता है। उसके नीचे भी आपको सेफ्टी के लिए एक और बम्पर दिया गया है, बाई चांस किसी छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट हो तो वो गाड़ी इसके नीचे नहीं जाए। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भी आपको काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यहाँ पे चोको शेप में काफ़ी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है हेलोजन बेस और हेलोजन में आपको इंडिकेटर मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एक मिरर दिया गया है जो कि इसके पूरा नीचे का बताता है, मैं अंदर चल के भी बताऊँगा जिससे कि ड्राइवर इसके नीचे का पूरा देख सके, कोई ऑब्जेक्ट तो नीचे नहीं खड़ा हुआ है। और काफ़ी बड़े बड़े आपको आउटसाइड मिरर मिलते हैं, अगर मैं इस साइड से दिखाऊँ तो एक्चुअल में काफ़ी बड़े बड़े आपको आउटसाइड मिरर मिलेंगे। और यहाँ पे आपको मॉडल की ब्रांडिंग दी गई है 5530.S, यहाँ पे मॉडल की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे टाटा मोटर्स फ्लैट इज लिखा हुआ है इनसाइड। इसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिलते हैं, आगे मैं आपको एक एक करके सारे फीचर्स भी बताऊंगा। यहाँ पे आपको फुट स्टेप दिए गए हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचा है, चलने के लिए आपको फुट स्टेप दिए गए हैं। और इसके टायर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े टायर मिलते हैं जिसकी साइज़ है 295/90R 20 इंच के आपको टायर दिए गए हैं। और यहाँ पे नीचे इसमें इंजन लगा हुआ है और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े हेलोजन में इंडिकेटर मिलते हैं। ब्लैक कलर में आउटसाइड डोर हैंडल मिलेंगे और साइड में आपको येलो कलर में रेडियम की पट्टी मिलेगी। काफ़ी बड़े बड़े आउटसाइड मिरर हैं। यहाँ पे अगेन मॉडल की ब्रांडिंग, उस साइड भी ये ब्रांडिंग है 5530.S। और यहाँ पे आपको 365 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है, काफ़ी बड़ा आपको डीजल का टैंक मिलता है जो कि आपको काफ़ी अच्छी रेंज देता है। और एडब्ल्यू के टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 65 लीटर का एडब्ल्यू का टैंक मिलेगा, ये 6 चक्कों में, मतलब 4x4। तो यहाँ पे आपको एक ही एक्सल दिया गया है, नीचे से मैं आपको एक्सल को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ही एक्सल मिलेगा, अगर आप 6x4 में लेते हैं तो इसमें आपको एक एक्सल और एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब 4 चक्के आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और रियर में ये बॉडी लगी हुई है, अभी
कंपनी की टाटा की बॉडी लगी हुई है, उस बॉडी पे भी आपको यहाँ पर छोटे छोटे साइड में ये रिफ्लेक्टर मिलते हैं जो कि ग्लो करते हैं। यहाँ पे इस पे भी रेडियम की पट्टी लगी हुई है 3 mm की, और यहाँ पे आपको साइड में ये गार्ड मिलता है यहाँ पर, और इसके ये स्टैंड आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी की डिटेल भी लिखी हुई है, 12 चक्कों की इसमें ये पीछे बॉडी लगी हुई है, 4, 4, 8 और 4, 12 अगर मैं रियर से दिखाना चाहूँ तो। ऐसी आपको रियर से लुक मिलेगी टाटा के 55-30 S घोड़े की। ये भी बॉडी लगी हुई है, यहाँ पे आपको टेल लैम्प मिलती है, और यहाँ पे आपको हेलोजन में ही इस बॉडी में टेल लैम्प मिलती है। यहाँ पे आपको गार्ड दिया गया है। अभी मैं इस घोड़े के इंजन के बारे में आपको बता देता हूँ, इसमें आपको कैसा इंजन मिलता है। और घोड़े की टेल लैम्प की बात करें तो इसमें आपको LED में टेल लैम्प मिलती है। यहाँ पर LED में आपको पूरा टेल लैम्प का सेटअप मिलेगा। यह है नीचे का एक्सल, काफ़ी बड़ा आपको एक्सल दिया गया है। अब इसके इंजन की बात करें तो इस घोड़े में आपको 6.7 लीटर का मतलब 6,700 cc का 6 सिलेंडर का आपको डीजल इंजन मिलता है, जो कि आपको देता है 300 HP की पावर। काफ़ी पावरफुल ये इंजन है, 300 HP की आपको यह पावर देता है, और 1100 Nm के अराउंड आपको यह टॉर्क निकाल कर देता है। इसके माइलेज की बात करें तो 2.25 से 3.25 के आपको माइलेज निकाल कर देगा, और टाटा इस पर 6 लाख और 6 साल की आपको वारंटी देता है। यहाँ पे इसका एयर फिल्टर लगा हुआ है, और यहाँ से ऊपर से ये ऑक्सीजन लेता है, मतलब एयर को कंज्यूम करता है ऊपर से। ये सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और 55 का मतलब है कि इस घोड़े का ग्रॉस व्हीकल वेट है 55,000 kg, और 30 का मतलब है कि इसमें आपको 300 HP की पावर मिलती है। यह है फ्रंट की लुक अगेन। अभी मैं इसको अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। यह है इसका ड्राइवर साइड डोर, काफ़ी बड़ा आपको ड्राइवर साइड डोर दिया गया है। यहाँ पे आपको 1 लीटर की बोतल रखने की स्पेस मिलती है। इनसाइड डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जिसको कि ड्राइवर को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे आपको हैंडल दिए गए हैं। अभी मैं इस घोड़े के अंदर आ गया हूँ। यह इस घोड़े के इंटीरियर की लुक। अभी मैं इसके ड्राइवर साइड सीट पर बैठ गया हूँ। ऐसी आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील मिलती है जिसमें कि बीच में आपको टाटा का लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपको सिग्ना की ब्रांडिंग दी गई है, और ये सिग्ना केबिन के साथ में आता है। ये इसका सिग्ना केबिन जिसमें कि आपको ड्राइवर के साइड में को ड्राइवर की सीट मिलती है, और पीछे आपको फ्लैट बेड दिया गया है, बेड दिया गया है जिसमें कि ड्राइवर आराम कर सके। और बेड भी काफ़ी चौड़ा है अगर आप देखेंगे तो, जो कि ड्राइवर के कंफर्ट को बढ़ाता है। टाटा की गाड़ियाँ ऐसे ही ज़्यादा नहीं बिकती। यहाँ पे आपको नीचे लॉकेबल स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे ये चाबियाँ भी लगी हुई है, लॉकेबल आपको यहाँ पे नीचे स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे एमरजेंसी के लिए फायर का टैंक मिलता है। यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है, और ये AC में आता है। आप चाहे तो नॉन AC में भी ले सकते हैं। हमारे सामने ये AC में खड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको AC के वेंट मिलेंगे, और ये है बीच का डैशबोर्ड का एरिया। यहाँ पर ऊपर भी आपको स्पेस मिलती है भर भर कर। यहाँ पे LED में आपको ऊपर रूफ लैम्प मिलती है, उस साइड में भी रूफ लैम्प दी गई है, स्पेस मिलती है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसिंग मिलती है। इसमें म्यूजिक सिस्टम तो नहीं लगा हुआ, लेकिन कंपनी यहाँ पे स्पेस देती है कि कस्टमर इसको लेने के बाद में यहाँ पर स्पीकर लगवा सकता है। यहाँ पे आपको गैस से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 80 की इसकी टॉप स्पीड है। इसमें आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिलता है। यहाँ से आप इसका क्रूज कंट्रोल चलाएंगे, और यहाँ से इसके वाइपर चलते हैं। इस साइड में इसके हेडलैम्प के कंट्रोल दिए गए हैं। और गियर की बात करें तो इसमें आपको 10 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, जिसमें कि 8 तो नॉर्मल हो गए, एक लो का गियर एंड एक आपको रिवर्स का गियर मिलता है इसमें, इस घोड़े में। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। अभी मैं इसके मीटर को भी आपको दिखा देता हूँ कैसा आपको इसमें मीटर मिलता है। इसमें आपको ऐसा मीटर मिलता है जिसमें कि आपको टैकोमीटर, इंस्ट्रोमीटर, बीच में आपको काफ़ी बड़ी MID दी गई है, फ्यूल का मीटर, टेम्परेचर का मीटर, सभी आपको यहाँ पे शो होगा। और ये बताते भी है कि आपने गाड़ी को कितना चलाया, कितनी गाड़ी माइलेज दे रही है, कोई डीजल तो चोरी नहीं कर रहा है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर आपको हज़ार लैम्प की स्विच,
लाइट, मीडियम, अलग अलग हैवी, तीन आपको अलग अलग मोड दिए गए हैं। यहाँ से आप इसके मोड को चलाते हैं। यहाँ पे इंजन चेक की लाइट और भी आपको काफ़ी लाइटें मिल जाती है। यहाँ पे आपको हेल्प का बटन दिया गया है नीचे, और भी आपको यहाँ पर बटन मिलते हैं। टाइप ए का आपको नीचे सॉकेट दिया गया है। तीन अलग अलग इसमें आपको मोड मिलते हैं। ड्राइवर के लिए आपको काफ़ी बड़ा सन वाइजर दिया गया है। को ड्राइवर के लिए आपको सन वाइजर मिलता है। और स्टीयरिंग की बात करें तो इसकी स्टीयरिंग को आप ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। मतलब स्टीयरिंग को आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वे में, दोनों वे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसका आप हॉर्न बजाएंगे। ऐसे आपको पेडल मिलेंगे। यहाँ से आप इसमें लाइट वगैरह चला सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये इसका सिग्नल केबिन, काफी ऊपर रूप दी गई है, आसानी से सर वगैरह टच नहीं होते हैं। उस साइड में आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। इसकी ड्राइवर साइड सीट को भी आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी एडजस्ट करने के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। अगर आपको टाटा का ये घोड़ा खरीदना है, अगर और भी कोई भी टाटा के ट्रक हो गए, टिपर हो गए, छोटी गाड़ियाँ होगी, बड़ी गाड़ियाँ होगी, कोई भी आपको खरीदनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको काफ़ी अच्छी डील दिला दूंगा। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको दो बैटरियाँ मिलती है एक साइड की, और यहाँ पे आपको ब्रेक के गैस की, आपको एयर की यहाँ पे एक टंकी दी गई है, एक टंकी आपको यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। और यह है अगेन इंजन 6700 cc का। इंजन की डिटेल आपको यहाँ पर भी लिखी मिलेगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।